आओ चलें, अब जल्द आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए आप बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको लोकतंत्र का पर्व मनाना भी चाहिए, देश को शक्तिशाली मजबूती की ओर ले चले। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने फिर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत की पहल के तहत एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो ड्रोन के माध्यम से हम विकिरण रेडिएशन को पता लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशन विकिरण का खतरा हमें परमाणु हमले या परमाणु संयंत्र के खराब होने या उसमें कोई जोखिम भरा कार्य होने या उस पर कोई कभी हमला हुआ तो उसके कारण जो रेडिएशन फैलते हैं, जो विकिरण होता है, उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, जिसको कि भारत सरकार के तहत संगठन के रूप में जाना जाता है और उसको DRDO बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसने कि एक ऐसा उपकरण बनाकर सैन्य और असैन्य दोनों के लिए मुहैया कराया है, जिसे कि हम लोग एरियल डोजीमेट्री सिस्टम कहते हैं, और ये विकिरण और रेडिएशन को एरियल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से पता कर सकता है कि कहां कहां पर विकिरण रेडिएशन का प्रभाव है। आइए हम सब लोग DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अधिकारी कर्मचारियों वैज्ञानिकों को अपना भरपूर धन्यवाद और भरपूर उनकी इस खुशी के लिए उनको बार बार तालियां बजा के अभिनंदन करें। और वास्तव में ऐसे देश के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर स्वदेशी का उपकरण देकर मजबूत बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। हम पूजा पाठ अर्चना में जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो क्रम बनाए जाते हैं, उसको पूरा करने में सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं कि पूजा अर्चना का जो क्रम है वो कहीं पर छूटे नहीं, कोई सामग्री नहीं छूटे, और हमारी पूजा अर्चना का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। और हम उसी हिसाब से सारे सामानों को संग्रह करते हैं और साथ ही साथ पूजा स्थल पर ला के रखते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है या बताया गया है कि अगर हमने पूजा अर्चना के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया तो हमें उसका फल आशीर्वाद अवश्य मिलने की एक गुंजाइश होती है और रहेगी, इसलिए हम ये सब क्रमवार और सावधानी से करते हैं। तो ऐसा हम लोग अपने कार्यशैली में क्यों नहीं करते, अपने कर्मों में क्यों नहीं करते? अगर हम पूजा अर्चना पाठ में इतना ज़्यादा सावधान और सतर्क और जागरूक हैं तो हम अपने कर्मों को करने के लिए जीवन में क्यों नहीं हम सावधानी से, सतर्कता से, जागरूकता से कर्म को करें? तो हमें पूजा अर्चना और पाठ से जो आशीर्वाद मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपने कर्मों से, कार्यों से मिलने की एक उम्मीद ज़्यादा जगेगी। क्योंकि कहा भी जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो ये पूजा ही है, और ये पूजा से भी बड़ा कर्म माना जाता है। तो जब इतनी बड़ी बात है कि कर्म ही पूजा है, तो क्यों ना हमें कर्म को पकड़कर पहले अच्छे कर्म के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसमें सफल होने के बाद अगर हम फिर पूजा अर्चना और पाठ करें तो हमारी जो सकारात्मक
प्रकृति है जीवन की वो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी होगी, अगर आप मनन करें तो स्वयं में आप इसको समझ सकते हैं। विचार करिए कि हमारी पूजा अर्चना से भी ज़्यादा हमारा कर्म है, और कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा की तरह हमें मानकर कर्म भर बिना किसी गलती के, बिना किसी असावधानी के करने में हमें आगे पहल करनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।